भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेस प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट जिला मुख्यालय से सटे ग्राम बगदरा में बुधवार को कुश्ती का रोमांच चरम पर देखने मिला। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों पहलवानों ने अपने दांव आजमाए। चैलेंजिंग कुश्ती नेपाल के देवा थापा और जम्मू कश्मीर के जावेद गनी के मध्य देखने मिली। वहीं महिला पहलवानों ने भी इस कुश्ती दंगल में अपने दांव पेच का जमकर प्रदर्शन किया। माँ जनजागृति दुर्गा उत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस इनामी दंगल में मुख्य अतिथि के तौर पर नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल भी शामिल हुए। वहीं जिले के प्रमुख अतिथियों में परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत, अनुराग चतुर्मोहता, किरण भाई त्रिवेदी, कांग्रेस नेता उमेद लिल्हारे, सुखदेव मुनि कुतराये सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। दंगल प्रतियोगिता में वैसे तो तमाम बड़े पहलवानों की कुश्ती देखने आसपास के ग्रामीण इलाकों से भारी तादाद में लोग पहुंचे थे। इस दौरान कुश्ती का रोमांच इस कदर छाया रहा कि कोई पेड़ पर तो कोई छत पर से कुश्ती देखते रहा। वहीं कुश्ती मैदान के बाहर भी हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ जुटी रही। कई बार तो भीड़ को काबू करने के लिए समिति और पुलिस कर्मचारियों को मशक्कत भी करनी पड़ी। बालाघाट जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित रावण बंदी की पहाड़ियों में विराजित मां ज्वाला देवी के दर्शनार्थ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। कठिन चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु यहां पर मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह से देर शाम तक माता रानी के दर्शन लाभ ले रहे हैं, जिससे यहाँ का वातावरण धर्ममय बना हुआ है। वैसे तो ज्वाला देवी के इस धाम में साल भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू होने से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 751 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहां का वातावरण प्राकृतिक और हरियाली से आच्छादित होने के कारण हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, माता रानी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। देखिए, यहाँ एक तो पर्यावरण बहुत अच्छा है और दूसरा यहाँ जो लोगों की मान्यता है, विश्वास है, ये स्वभूत है, मतलब ये खुद निकली हुई है, इसको प्रतापित नहीं किया गया है, स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए भी लोगों की मान्यता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर धीरे धीरे पूरे ज़िले में हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया कि यहाँ पर माता जी है ज्वाला देवी और गोमजी सोम जी, जो अनादिकाल से यहाँ पर है पहाड़ी पर। तो हम लोगों ने, पिताजी भी रहे हमारे, उनके दोस्त भी रहे, सरपंच, BDC, हमारे गांव के समस्त नागरिक, हमारे गांव के और कुछ बालाट के, कुछ भरवीली के सदस्य लोग यहां से जो जुड़े थे, जिन्हों लोगों ने बहुत मेहनत करके आज मंदिर को यहां तक पहुंचाए हैं। जो आज जो आप भीड़ देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सभी सदस्यों को और सभी जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है। और जहाँ यहाँ से जो पुराने सांसद रहे विशेश्वर भगत जी, उनने लाइट देने का काम किए, यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी वो कंकर मुजारी जी की देन थी, और कुछ माइल के द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई, कुछ समिति के द्वारा टंकी बनाई गई, कलश रूम बनाए गए, सीढ़ियों में चढ़ने के लिए पाइप लगाए गए, मोटर डाले, यानी सारी सुविधाएँ जो है हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर लोगों को मिले। शारदीय नवरात्र का उल्लास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नगर मुख्यालय में लोग शाम होते ही पूजा पंडालों में विराजित माता रानी के दर्शन लाभ लेने के लिए सड़कों पर उमड़ रहे हैं। नवरात्र के दौरान माता की आराधना के साथ ही गरबों की धूम भी शहर में देखने मिल रही है। वहीं नवदुर्गा उत्सव समितियों के ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम को देखने भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भटेरा चौकी में जहां विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आकर्षक पंडाल बनाकर माता रानी की स्थापना की गई है, तो वही बस स्टैंड में सिंहवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल भी मंदिर की कलाकृति के तौर पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यहां पर शाम होते ही श्रद्धालु माता रानी की पूजा और आरती में पहुँच कर मनोकामना पूर्ति के लिए कामनाएँ कर रहे हैं। आबकारी विभाग बालाघाट की टीम ने पायली, कवड़ी टोला और मंझारा टोला में छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ लहान को जब्त किया है। बताया गया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर आबकारी की टीम पायली के जंगल में पहुंची थी, जहां पर नाले के किनारे अलग अलग स्थानों पर बोरियों में भरा हुआ लगभग 270 किलो महुआ लहान बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 18,900 रुपये बताई जा रही है। इसी तरह आज 10 अक्टूबर को वारासिवनी व्रत क्षेत्र के ग्राम कवड़ी टोला के अलग अलग स्थानों से प्लास्टिक की बोरियों में भरा लगभग 160 किलो महुआ लहान जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कुछ इसी तरह की कार्यवाही मंझारा टोला में भी आबकारी विभाग की ओर से की गई है, जहां पर 8 बोरियों में भरा हुआ लगभग 240 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।